नर्सेज से हम सब अच्छी तरह से अवेयर हैं, जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट जैसे इंजेक्शन लगाना, घाव पर पट्टी करना, फिजियोथेरेपी, डॉक्टर के एब्सेंस में पेशेंट की देखभाल करने जैसा काम नर्स के द्वारा ही किए जाते हैं। भारत में लगभग 600 ईसा पूर्व स्तोत्र संहिता नाम की पुस्तक में शरीर के विभिन्न भागों और स्किन को शामिल करते हुए रोगियों की कुशल देखभाल और ऑब्जर्वेशन का वर्णन किया गया है। इसे ही नर्सिंग के कार्य के रूप में जाना जाता है। 5th सेंचुरी BC में भी हिप्पोक्रेटिक कलेक्शन में भी अटेंडेंस का जिक्र किया गया है, जो शायद शुरुआती नर्स थी। नर्सेज रोग के परिवार, फिजिशियन, थेरेपिस्ट और टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर रोगी का देखभाल करने का पालन बनाते हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि BSc नर्सिंग के बारे में सब कुछ, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए इस वीडियो में हम आगे क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। BSc नर्सिंग क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, एज लिमिट कितना होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस एग्जाम्स, फी स्ट्रक्चर क्या होता है, BSc नर्सिंग का सिलेबस क्या है, BSc नर्सिंग टॉप कॉलेजेस, कैरियर स्कोप क्या हो सकते हैं, BSc नर्सिंग जॉब सेक्टर एंड अपॉर्चुनिटी, सैलरी कितनी मिलती है और गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर BSc नर्सिंग, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बारीकी से जानेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करें। हे एवरीबॉडी, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं बेस्ट टेक फेयर। पहले जानते हैं कि BSc नर्सिंग क्या है। BSc नर्सिंग यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग कोर्स है, जिसमें आपको इंटर्नशिप भी करनी होती है। नर्स का काम और डॉक्टर के सहायक के रूप में काम करते हुए पेशेंट की देखभाल करना, उसकी मेडिसिन का ख्याल रखना होता है। अब जानते हैं BSc नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी। BSc नर्सिंग की करने के लिए आपको क्या योग्यता की ज़रूरत होती है, तो स्टूडेंट्स को साइंस बायोलॉजी स्ट्रीम से 12th में मिनिमम 50% से 60% के साथ पास होना ज़रूरी है। भारत में BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन स्टूडेंट को 12th के मार्क्स के आधार पर दिया जाता है। हालांकि एम्स और PGIMR जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए आपको नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। एज लिमिट की बात करूं तो आपको मिनिमम एज लिमिट है, इसमें 17 साल होना चाहिए बिफोर 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर साल के लास्ट तक आपकी 17 साल पूरे होने चाहिए, और मैक्सिमम एज है 35 साल। अब जानते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। BSc नर्सिंग एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। BSc नर्सिंग में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स और मेरिट लिस्ट दोनों के आधार पर होता है, लेकिन टॉप मेडिकल कॉलेजेस BSc नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही एडमिशन करते हैं। BSc नर्सिंग में एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल व जून के बीच में जारी होती है। फॉर्म जारी करने का डेट कभी बदल सकती है। बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस मेरिट यानी कि मार्क्स के आधार पर एडमिशन लेते हैं, उसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। अब जानते हैं BSc नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम। तो BSc नर्सिंग के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि नीट, CNTEC, SAT, ITM NEST, BHU एंट्रेंस एग्जाम इत्यादि। अब जानते हैं BSc नर्सिंग की फीस। हम सब निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि BSc नर्सिंग की फीस कितनी होती है, क्योंकि BSc नर्सिंग फीस इससे निर्भर करता है कि आपकी कॉलेज कौन सा है। BSc नर्सिंग कोर्स की अगर सरकारी व प्राइवेट इंस्टीट्यूट दोनों कर सकते हैं। अगर सरकारी कॉलेज नर्सिंग की बात करूं तो फी 15,000 से लेकर 25,000 हर वर्ष फीस हो सकती है। वही दूसरी ओर अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो नर्सिंग की 50,000 से लेकर 1,00,000 हर वर्ष हो सकती है। BSc नर्सिंग के पूर्व आपको जो कोर्सेज हैं वो किसी प्राइवेट कॉलेजेस से करना होगा, तो अगर कम से कम आपको 4,00,000 से 5,00,000 रुपये फीस हो जाती है। अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हैं तो 80,000 से 1,50,000 के रुपए में आपका कोर्सेज कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया होता है कि आप BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, अच्छे मार्क्स लाएं, जिससे आप BSc नर्सिंग फीस भी कम करना पड़े। अब जानते हैं BSc नर्सिंग की कोर्स सिलेबस के बारे में। तो BSc नर्सिंग में पढ़ाए जाने वाले मेन सब्जेक्ट्स के कुछ लिस्ट हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जन नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च प्रोजेक्ट, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। हमने कुछ मेन सब्जेक्ट्स को यहाँ पे पिक किया है। अब जानते हैं टॉप इंडियन कॉलेजेस के बारे में। BSc नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली कॉलेजेस हैं, जिससे आपको अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लें, तो आपको बताते हैं। फर्स्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, यानी कि एम्स, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल
एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना, श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी और आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर। अब जानते हैं बीएससी नर्सिंग के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप आसानी से हेल्थ सेक्टर में नौकरी मिल जाएगी। इस कोर्स को करने के बाद आपको गवर्नमेंट व प्राइवेट दोनों सेक्टर में बहुत आसानी से जॉब मिलती है। नर्सिंग के क्षेत्र में कुछ जॉब प्रोफाइल और सैलरी बताए जा रहे हैं। बीएससी नर्सिंग के बाद आपका जॉब सेक्टर जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल कॉलेजेस में हो सकता है। अब जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग के बाद आपको आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या होता है, जैसे कि डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में, टीचर ऑफ नर्सिंग, स्टाफ नर्स, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, मिलिट्री नर्सेज और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इंडस्ट्रियल नर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र और नर्सिंग सुपरवाइज़र या वार्ड सिस्टर। आपकी ये सब अपॉर्चुनिटी है, आप ये सब कर सकते हैं। आपको ये सब अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप इस सेक्टर में जा सकते हैं। अब जानते हैं जॉब प्रोफाइल और इनकी सैलरी के बारे में। एक नर्स की जो सैलरी होती है पर एनम वो 2,78,270 होती है। नर्स सुपरवाइज़र की सैलरी 4,48,354 रुपये सैलरी होती है पर एनम। नर्सिंग एजुकेटर की 3,50,000 और फिजियोलॉजिस्ट की 4,05,000 और हॉस्पिटल मैनेजर की 4,81,000 के करीबन होती है। वही वार्ड केयर और नर्स या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की बात करूं तो 5,00,000 के करीबन होती है। जूनियर साइकेट्रिस्ट नर्स की बात करूं तो 3,50,000 के पर होती है। ये सैलरी निश्चित नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, साथ में कुछ अलाउंस भी प्रोवाइड करती है। अब जानते हैं कि क्या बीएससी नर्सिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद आप जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बीएससी नर्सिंग, तो हम आपको लेकर आए हैं कि बीएससी नर्सिंग के बाद सरकारी नौकरी की कुछ लिस्ट है जो हमने तैयार किए हैं। स्टूडेंट के पास बीएससी नर्सिंग के बाद कैरियर ऑप्शंस जिनमें वो नर्सिंग शुरू कर सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स, क्लिनिक एंड हेल्थ डिपार्टमेंट्स, नर्सिंग साइंस स्कूल्स, डिफेंस सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर मेडिकल डिपार्टमेंट, रेलवे मेडिकल डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज एंड हाउसेज। इन सब में आप जा सकते हैं फर्दर इस कोर्स को करने के बाद। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, अगर आप ANM और GNM के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमने नीट के बिना कौन कौन से मेडिकल कोर्स कर सकते हैं इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है। फर्दर हमने इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है कि आप कौन कौन से मेडिकल कोर्स कर सकते हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें। और आपके मन में कोई भी डाउट हो या फिर किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, हमें इंस्टाग्राम पे जुड़ के डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।